जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुंचे, दिन अभी पानी में हो रात किनारे के करीब। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो बहुत ही सैड और इमोशनल होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं अबाउट हार्ट ब्रेकिंग डेथ सीन्स इन बॉलीवुड। आई एम द अनिल अवल नरेटर एंड यू आर वाचिंग टॉप 5 हार्ट ब्रेकिंग डेथ सीन्स इन बॉलीवुड। आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले उसका क्या होगा? जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। आनंद मूवी में जब से आनंद की एंट्री हुई है तब से हमें पता चल जाता है कि आनंद कितना खुश मिजाज और हैप्पी चीयरफुल फुल ऑफ लाइफ और पॉजिटिव वाइब्स वाला इंसान है। वो सबके साथ अच्छी तरह से मिलता है, सबसे मीठी बातें बोलता है और बहुत अच्छा गाना गाता है और वो एक बहुत अच्छा इंसान भी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि उसे कैंसर है और उसे जीने के लिए बहुत कम टाइम है, फिर भी उसका ये मानना है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। इस फिल्म के एंड में वो अपने डेथ बेड पर है, बहुत ही पेन में है, अपने भाभी को बुलाता है और वो उसे बोलता है कि वो मरना नहीं चाहता। एंड दैट सीन इज सो हार्ट ब्रेकिंग। जी, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लीजिए। जब हम ये मूवी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आनंद इज ए वेरी लाइकेबल कैरेक्टर, हमें बहुत ही पसंद आता है वो कैरेक्टर, ही इज फुल ऑफ लाइफ। लेकिन जब उसका डेथ होता है इट लीव्स अस विद पेन। ना अंधेरा ना उजाला हो, ना अभी रात ना दिन, जिस्म जब खत्म हो। गजनी के आदमी लड़कियों का ट्रैफिकिंग करते हैं और ये बात कल्पना को पता चल जाती है और कुछ आर्मी वालों के मदद से वो 25 इनोसेंट लड़कियों को बचा देती है। गजनी इस बात पर गुस्सा होकर कल्पना के घर पहुंच जाता है। ये फिल्म फ्लैशबैक में दिखाया गया है और हमें पता चलता है कि कल्पना कितनी अच्छी इनोसेंट और चीयरफुल और हेल्पफुल लड़की है, लेकिन गजनी उसे मार देता है। एंड इट वॉज सो पेनफुल टू वॉच। वो कितनी इनोसेंट थी, कितनी हेल्पफुल थी और उसे ऐसी मौत मिली। और एक बात इस फिल्म में मैंने नोटिस किया कि उसे कभी पता नहीं चला कि आमिर खान यानी संजय सिंघानिया एक रिच बिजनेसमैन है और संजय सिंघानिया उसे ये बात बोलने के लिए आ रहा था और उसी बीच कल्पना की डेथ हो जाती है। एंड दैट्स बल्लाल देव और उसके पिता कुछ डर्टी पॉलिटिक्स खेलकर राजमाता शिवगामी को अपने ही बेटे बाहुबली को मारने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। शिवगामी कटप्पा को आदेश देता है कि बाहुबली को मार दे। अब कटप्पा और बाहुबली के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो ना चाहते हुए भी राजमाता का आज्ञा पालन करने के लिए बाहुबली को मारने के लिए जाता है। बाहुबली और कटप्पा के बीच एक कन्वर्सेशन होता है जिसमें बाहुबली कटप्पा से ये कहता है, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। फिर एक बहुत ही इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक पड़ता है और कटप्पा पीछे से बाहुबली को तलवार से मार देता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। बाहुबली पूरा कंफ्यूज होकर अपने मामा को देखता है कि और शायद वो ये सोचता होगा कि क्या रीजन हुआ होगा कि उसके मामा ने उसे मारा। फिर भी वो अपने आप को संभालता है, अपना तलवार मांगता है और एक राजा की तरह शान से मरता है। अब छेड़ेगा। जन्नत में अर्जुन का रोल इमरान हाशमी ने किया है, वो एक मैच फिक्सर है, लेकिन वो अपने प्यार जोया के लिए ये सब बुरा काम छोड़कर एक सीधी सादी जिंदगी जीने की डिसाइड करता है। फिर उसे एक ऑफर मिलता है लास्ट टाइम मैच फिक्सिंग करने का और जोया ये बात जानकर पुलिस को बता देती है और अर्जुन को ये भी कन्विंस कर लेती है कि वो अपने आप को पुलिस को सरेंडर कर ले। अब पुलिस आ चुकी है अर्जुन को अरेस्ट करने के लिए और अर्जुन का एक स्पेशल रिंग था वो जमीन पे नीचे गिर जाता है और वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस को लगा कि वो अपना गन उठा रहा है उन पे फायर करने के लिए और पुलिस वाले उस पर ओपन फायर कर देते हैं। उसको बहुत सारी गोली लगी, फिर भी वो अपने हाथ में वो स्पेशल रिंग पकड़ा हुआ था। एंड दैट सीन इज सो इमोशनल।
ये बनारस का पहला तोहफा था हमको। नमाज में वो थी पर लगा दुआ हमारी मंजूर हो गई। कुंदन एक ब्राह्मण लड़का जोया एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता है। जोया का ये मानना है कि क्योंकि उनके बीच रिलीजियस डिफरेंसेस है उनका कोई फ्यूचर नहीं है। फिर भी कुंदन इस बात पर राजी नहीं होता और अपना वन साइडेड लव गिवअप नहीं करता और इसलिए उनका रिलेशनशिप बहुत ही टॉक्सिक और कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। फिर इस फिल्म में बहुत सारी बातें होती है और एंड में कुंदन ICU में है और अपने मौत के साथ लड़ रहा है और तब कुंदन का एक लास्ट मोनोलॉग दिखाया जाता है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन बॉलीवुड। वो कहता है कि उसके सीने में एक आग अभी तक है जो उसे जिंदा कर सकती है। फिर वो पूछता है लेकिन किसके लिए, वो थक चुका है, फिर कौन प्यार करे, दिल लगाए, दिल तुड़वाए। फिर भी उसके अंदर एक उम्मीद है, एक होप है कि वो दोबारा जन्म लेगा किसी गंगा किनारे कि किसी जोया के प्यार में दोबारा पढ़ने के लिए। पर उठेंगे किसी रोज उसी गंगा किनारे डमरू बजाने को, किसी जोया की इश्क में फिर से पड़ जाने को। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।